नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी, लेकिन जैसी चाहिए थी वैसी आई नहीं। लेकिन निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आई, निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली। और एक्चुअली देखा जाएगा तो निफ्टी ने अपवर्ड एंगल जो है यहाँ से जब गिरा था, तभी एक रिट्रेसमेंट पॉइंट जो आया था वो अपवर्ड एंगल को क्रॉस करने की आज चेष्टा भी की, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक वो स्ट्रेंथ हमको दिखाई नहीं दी। क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट का पॉइंट था, वहाँ से जो अपवर्ड एंगल आया है वहाँ तक तो पहुँची ही नहीं है, बल्कि डाउनवर्ड एंगल को सिर्फ टच किया हुआ। लेकिन फिर भी स्टिल हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ी बहुत ट्रेंड दिखा रही है। अभी आज जब बैंक निफ्टी ऊपर से मतलब ओपन होने के बाद जो नीचे के साइड में मूवमेंट आया, वहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये लो के नीचे ये लो मारा था। और अगर हम लोग छोटी मूवमेंट में देखते हैं तो यहाँ पे बाय आ गया था, लेकिन अगर हम लोग बड़ी मूवमेंट में देखते हैं तो यहाँ से जो मैंने डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल डाला, तो वो अपवर्ड एंगल को एग्जैक्ट टच करके बैंक निफ्टी रुक गई, लेकिन दिन भर वो अपवर्ड एंगल को क्रॉस नहीं कर पाई। तो उसके वजह से मुझे ऐसा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ कि ये अपवर्ड एंगल क्यों नहीं क्रॉस कर रही है। तो उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये अपवर्ड एंगल कल के दिन में क्रॉस कर देती है तो बैंक निफ्टी के लिए 950 का एक पॉइंट रहेगा, जो एक अच्छा 950 960 का एक जोन रहेगा, वो एक अच्छा हर्डल के जैसे काम करेगा। और वो अगर क्रॉस हो जाता है तो हमको फिर बैंक निफ्टी में आगे की तेजी मिल जाएगी, जो करीबन 46,500-46,600 तक लेके जाएगी आगे, मतलब टॉप क्रॉस होने का चांसेस चालू हो जाए, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। नीचे के साइड में 45,350 जो है वो जब तक सेल नहीं होता है तब तक सेल नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि ये पॉइंट से अगर मैं अपवर्ड एंगल डाउन सॉरी बॉटम से अगर मैं अपवर्ड एंगल डालता हूँ तो वहाँ पे 340-350 का एक पॉइंट आता है। और अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, तो उसका डाउनवर्ड एंगल अगर हम लोग डालते हैं तो वो अराउंड 400 के आसपास आता है। तो ये जोन जो है 350 से 400, ये जोन थोड़ा सा क्रिटिकल जोन है। वो जब तक जोन टूटता नहीं है तब तक हमको नीचे के साइड में मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो एक रेंज पकड़ के चलिए कि 46,000 और 45,300 इसके बीच में बैंक निफ्टी कल के दिन में रह सकती है। अभी निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में ये जो आज के दिन में जो मूवमेंट आई वो बहुत अच्छी मूवमेंट आई। अगर हम देखते हैं कि ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो उसके बीच का अपवर्ड एंगल जो है अच्छी तरह क्रॉस हो गया था कल जाते जाते। और आज सुबह क्या हुआ कि जैसे ही ओपन हुआ नीचे के साइड में उसने एक कैंडल बना दी अपवर्ड एंगल के नीचे, लेकिन सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन दिया नहीं, इसके लिए सेल हुआ नहीं, और यहाँ से वापस उसने अच्छी तरह तेजी कर दी। अब ये जो तेजी है ये तेजी आप अपवर्ड एंगल के हिसाब से अच्छी तरह पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं पकड़े तो ये जो मेन पॉइंट है वहाँ से डाउनवर्ड एंगल आया और यहाँ पे वही डाउनवर्ड एंगल पे आज का हाई बना था मॉर्निंग का, उसके ऊपर जैसे ही ये मूवमेंट गया हमको तेजी की मूवमेंट मिली। और इसके बाद अगर आपने आज का हाई का अगर अपवर्ड एंगल डाला तो उसको भी एक इसने सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन दिया, लेकिन लेट दिया। लेट देने के बाद उसने थोड़ा सा नीचे के साइड में आया, लेकिन ये डाउनवर्ड एंगल जो है वो टूटा नहीं, एक छोटी छोटी कैंडलें बनी और वहाँ से वापस ऊपर की तरफ मोमेंट ले ली। तो निफ्टी में एज सच अच्छी मोमेंटम हमको देखने को मिली हुई है। अगर ये हाई से हम लोग देखते हैं तो अपवर्ड एंगल के आसपास वो जाके रुक गई, लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी में अच्छी मोमेंटम है, तेजी की तरफ उसने एक अच्छा कदम बढ़ाया हुआ है और शायद वो बैंक निफ्टी को खींच लाएगी तेजी की तरफ। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी आपस में खेलते रहे कि एक बार निफ्टी आगे चलती है, फिर बैंक निफ्टी आगे चलती है, फिर निफ्टी आगे चलती है। तो ये हो रहा है कि कोई भी एक इंडाइसेस प्योरली
अपने दम पे नहीं लेके जा रहे तेजी को, बल्कि दोनों साथ में एक बाय वन बाय वन आगे जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, दोनों साथ में जाएंगे तो दोनों अच्छी एक लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो 780 के ऊपर इंट्राडे बाय हो जाएगा, जैसे ही मतलब ये जो पॉइंट है इसके ऊपर निकल जाएगा निफ्टी मॉर्निंग में, तो उसके ऊपर बाय हो जाएगा। 880 और 950 के दो पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस के रहेंगे। नीचे के साइड में देखते हैं तो 640 के नीचे सेल हो जाएगा। 580 और 490 का एक अराउंड, 490 के अराउंड बाय करने का एक एडवाइजर, मतलब 490 एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अभी इसमें अगर हम लोग इंट्राडे का चार्ट में अगर देखते हैं कैंडल स्टिक, तो कैंडल स्टिक में आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल आया, नेक्स्ट सेकेंड कैंडल जो है वो हैमर आई। हैमर आने के बाद अगर आप देखते हैं तो मैं जब भी मैं हमेशा कहता हूँ कि हैमर आने के बाद प्रीवियस कैंडल को क्रॉस होना चाहिए, लेकिन प्रीवियस कैंडल अगर बड़ी है तो क्या करेंगे? तो प्रीवियस कैंडल अगर बड़ी है तो हैमर को जिस कैंडल ने क्रॉस किया हुआ है वो कैंडल जो सेकेंड कैंडल है उसका हाई अगर क्रॉस हो जाता है तो आप बाय कर सकते हो और बाद में हैमर का लो का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। मैं अगेन एक बार रिपीट करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हैमर को अगर, मैं एक बार ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ पिक्चर, हैमर को अगर हम लोग के हैमर को कैसे काम कर सकते हैं, तो हैमर को काम करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हैमर के पहला प्रीवियस कैंडल जो है उसका टॉप या तो उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा, टॉप के ऊपर से अपवर्ड एंगल मैं अगर डालता हूँ तो वो क्रॉस हो जाएगा, तो तेजी करनी है, तब तक तेजी नहीं करनी है। लेकिन अगर प्रीवियस कैंडल बड़ा है तो क्या कर सकते हैं, तो हैमर के बाद की जो कैंडल है मतलब ये वाली, एक हैमर के बाद एक कैंडल होने के बाद वो कैंडल के ऊपर जब तीसरी कैंडल बाय हो जाती है तब जाके आप ये कैंडल के ऊपर बाय कर, मतलब सेकेंड कैंडल के ऊपर बाय कर सकते हो और आप हैमर का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका हैमर के ऊपर काम करने का अगर प्रीवियस कैंडल बड़ी हो तो। ये हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा बाय बना हैमर के हिसाब से और बाद में ऊपर की तरफ आपको अच्छी मोमेंटम मिली और बाद में फिर कंटिन्यू छोटा छोटा कैंडल स्टिक का पैटर्न बनते गया। तो अभी कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो उस हिसाब से मैं फिन निफ्टी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिन निफ्टी एज गुड एज बैंक निफ्टी जैसी है, उसमें भी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दी, लेकिन ठीक है उसने एक अच्छा डाउनवर्ड एंगल, सॉरी डाउन से जो अगर आप देखते हैं यहाँ से पीछे का जो लो बना था वहाँ से जो अपवर्ड एंगल डाला हुआ है वो अपवर्ड एंगल के ऊपर रेस्ट हो रहा है। तो यहाँ से अगर ये पॉइंट है इसका डाउनवर्ड एंगल क्रॉस हो जाता है तो एक थोड़ा बहुत मोमेंट हमको मिल सकता है 20,380 के ऊपर, और 20,380 के ऊपर अगर मोमेंटम मिलता है तो हमको 20,500 तरफ, 500 की तरफ फिनिटी जा सकती है, जहाँ पे एक अच्छा हर्डल रह सकता है। और अगर ये 380 क्रॉस नहीं करती है तो नीचे के साइड में 240 के नीचे सेल करना एडवाइजेबल रहेगा। 144 के आसपास यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये लो के हिसाब से, लेकिन अगर 240 के नीचे गए तो थोड़ा सा मोमेंटम सेल की तरफ बन जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ये कहीं पे 500 के ऊपर निकल जाती है तो हमको ऊपर की तेजी बहुत अच्छी तरह आती हुई दिखेगी। उसके बाद 500 के बाद एक 600 में एक हर्डल आएगा, जो 600 के बाद तो नया हाई क्रॉस होने का चांसेस रहेगा। सिर्फ फिन निफ्टी और निफ्टी को ये जो है रिट्रेसमेंट पॉइंट का अपवर्ड एंगल है वो क्रॉस होना चाहिए, उसके सिवा मोमेंटम आने वाला नहीं है। तो अगर हमको फिन निफ्टी में एक्सपायरी के हिसाब से अगर काम करना है तो दो तीन पॉइंट को ही हमको ध्यान में रखना है। एक 20,380 के ऊपर बाय करना है, दो 20,500 के यहाँ पे हर्डल है वहाँ पे आपको एक कॉल लेना है, मतलब वहाँ पे सेलिंग करने के लिए एडवाइजेबल रहेगा। तीसरा अगर 500 के ऊपर जाती है जोर से तो फिर बाइंग एडवाइजेबल है, अदरवाइज नहीं। और चौथा 240 के नीचे सेल में
रहेंगे तो बेटर रहेगा। 144 के यहाँ पे अराउंड बाय करना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो मैं ये ज़रा हटा देता हूँ। तो फिन निफ्टी में मैंने आपको दो तीन पॉइंट बता दिए कि कैसे काम करना है। आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए, और लाइव कॉल एंजॉय करने के लिए कल आप फिन निफ्टी में मैं टेलीग्राम पे कॉल डालूँगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।